हे गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज अफसर एंड यू वाचिंग टेक्निकल अफसर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की डेट में व्हाट्सएप के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया बिग अपडेट आ चुका है। अगर आप लोगों को नहीं मिला है तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मिलेगा, क्या वो अपडेट का नाम है, किस तरीके से अपडेट काम करेगा, क्या क्या उसके अंदर आप लोगों को अच्छाइयाँ और क्या क्या बुराइयाँ देखने को मिल जाती है, सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेरे इस व्हाट्सएप चैट के नीचे यहाँ पर जहाँ पर फोटो लिखा हुआ है उसके साइड में आपको वन का जो ये दिख रहा है लोगो, तो यहाँ पर इसका ये मतलब है कि ये जो फोटो है ये व्यू वंस है। तो WhatsApp के ऊपर आज ही एक न्यू अपडेट आया है कि WhatsApp का कहना है कि आप अब जो भी मैसेज सेंड करेंगे उसको आप एज अ व्यू वंस के ऊपर सेट कर सकते हैं। जैसे आप उसको सेंड करेंगे आपका फ्रेंड उसको देखेगा, वैसे ही आपका आपके मोबाइल से और आपके फ्रेंड के मोबाइल से दोनों ही तरफ से आपका जो फोटो है या फिर चाहे वो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा या फिर डिलीट हो जाएगा। तो आपको मैं बताता हूँ कि ये फीचर किस तरीके से काम करता है, एग्जैक्टली आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं अपने अटैच बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पर मैं गैलरी के ऊपर जाता हूँ। अब यहाँ से आप अपना फोटो या फिर वीडियो दोनों में से कोई भी एक चीज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो ले लेता हूँ। अब इस फोटो को लेने के बाद आप देख सकते हैं कि जो इसका लिखने वाला जो हिस्सा है उसके साइड में आपको वन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि फोटो सेट व्यू वंस, एंड यहाँ पर जैसे आप इसको अनटिक करेंगे तो अनटिक हो जाएगा। बट फिर से मैं इसको आपको टिक करके बताता हूँ, तो इस तरीके से टिक हो जाएगा। अगर आप इसको अनटिक करेंगे तो आप यहाँ पर बहुत मल्टीपल फोटो सेंड कर सकते हैं। बट अगर आप व्यू वंस के साथ अगर फोटो को शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एक ही फोटो सेंड कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर टिक किया सेट टू व्यू वंस, एंड जैसे मैं इसको शेयर करूँगा तो शेयर करने के बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फोटो यहाँ पर व्यू वंस के अंदर शेयर हो चुका है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आप कोई भी मोड एपीके अगर अभी यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई ऐसा व्हाट्सअप अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ये ट्रिक काम नहीं करेंगे, ना ही आपको मैसेज दिखेगा जो आपके फ्रेंड ने सेंड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनसपोर्टेड मैसेज का फॉर्मेट दिखा रहा है, तो आपको मोड एपीके के अंदर इसका सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट नॉर्मल व्हाट्सएप के अंदर देखने को मिलेगा। मोड एपीके भी शायद नेक्स्ट अपडेट के बाद से आपको यहाँ पर भी उसका सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर वो मैसेज रिसीव नहीं होगा, आप परेशान हो जाएंगे कि भाई ये मैसेज ऐसा क्यों आया, अपडेट व्हाट्सएप क्यों बता रहा है। तो यही बात है। उसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से फीचर काम करता है, आप किस तरीके से पता करेंगे कि आपके फ्रेंड ने आपके फोटो को देखा या नहीं देखा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मुझे ब्लू टिक मिल चुके हैं, मतलब मेरा जो मैसेज है वो रिसीव हो चुका है। बट हम इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर आई बटन के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है कि आपका जो मैसेज है वो 39 मिनट पहले डिलीवर हुआ, उसके बाद में सामने वाले ने उसको सीन किया 35 मिनट पहले, बट फोटो को ओपन नहीं किया। तो यहाँ पर ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि उसने फ़ोटो को आपके ओपन किया या नहीं किया। मतलब कि अगर आपको उसको डिलीट अगर करना है तो बाद में आप उसको डिलीट कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, तो आपको पहले पता लग जाएगा कि आपने जो फ़ोटो सेंड किया है वो डिलीट हुआ या फिर नहीं हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर और भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस फोटो का आपका जो फ्रेंड है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, तो आपको उस हिसाब से ऐसा फ़ोटो भेजना है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई अब आपके पास में व्यू वंस वाली चीज़ आ गई है तो आप किसी भी तरीके का फ़ोटो बनाकर उसको सेंड कर देंगे या फिर ऐसा कोई फ़ोटो आप उसको सेंड कर देंगे जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, भाई ये चीज़ यहाँ पर वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, तो आपको इतनी चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके अलावा और भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी कॉमन ग्रुप के अंदर है, जैसे कि यहाँ पर एक ग्रुप है मेरा खुद का या फिर कोई भी पकड़ लो अफसर क्रिएशन ग्रुप है, अगर आप दोनों इन कॉन्टेक्ट के अंदर है, अगर आप ने किसी को ब्लॉक किया है और वो और आप सेम ग्रुप के अंदर अगर है, तो यहाँ पर अगर आप कोई भी अपना फ़ोटो व्यू वंस करके अगर भेजते हैं तो आपका वो भी जो फ्रेंड है जो ब्लैक है वो भी जो ब्लॉक है वो भी इस फोटो को देख पाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको माइंड में रखना है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, अपडेट बहुत बढ़िया है। जिस तरीके से आपको इंस्टाग्राम के ऊपर व्यू वंस का ऑप्शन मिलता है उसी तरीके से अब आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी मिल रहा है, एंड इस ऑप्शन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि ऐसी चीज़ों की बहुत बार ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें जस्ट एक फ्लैश मैसेज की तरह एक फोटो भेजना होता है या फिर वीडियो अगर भेजना होता है, तो ये फीचर अब आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो गाइस, होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको अपडेट भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।